हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फो अपडेट स्पीकी। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक अच्छा लैपटॉप ख़रीदने के लिए किन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। एक इसकी स्टोरेज, दूसरा उसकी रैम और तीसरा उसका प्रोसेसर। स्टोरेज की बात करें तो इसमें दो चॉइसेस होती हैं, एक HSD और SSD। SSD को हमें ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए क्योंकि वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो सकती है, क्योंकि वो फास्टर होती है और ज़्यादा टाइम तक चलती है, क्योंकि वो ड्यूरेबल भी होती है। दूसरी चॉइस रैम की होती है। रैम के अंदर अगर हमारे पास 4GB रैम अफोर्ड कर पा रहे हैं तो इसमें बेसिक चीज़ें यानी PPT बनाना, इंटरनेट सर्फ करना और कोडिंग जैसी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन हमें मैक्सिमम 8GB रैम रखनी चाहिए। तीसरा होता है प्रोसेसर, जिसमें एप्पल को हटा दें तो हमारे पास दो ऑप्शन और हैं, AMD और इंटेल। अगर आपको ज़्यादा पावर एफिशिएंट प्रोसेसर चाहिए जिसमें आप हेवी टास्क करने वाले हैं, जैसे कि एडिटिंग हो गया, तो हमें AMD के प्रोसेसर बेस्ड लैपटॉप को चूज़ कर सकते हैं। मगर हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये डिवाइसेस हीट भी बहुत जल्दी होती हैं। अगर इंटेल की बात की जाए तो वो प्रोसेसर ज़्यादा स्टेबल रहते हैं। जितना आपको बजट अलाउ करता है इतना आपको लेटेस्ट इंटेल का प्रोसेसर लेने की कोशिश करनी चाहिए। सो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।